सर्वेभ्यो नमो नमः। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचोर नगरे सर्वेषां विद्यार्थीनां स्वागतम् अभिनंदनं च। अद्य अस्माकं पाठः वर्तते। अस्य पाठस्य नाम अस्ति गोदोहनम्, अर्थात हमारा जो आज तृतीय पाठ है कक्षा नवमी का, उसमें अपन तृतीय पाठ के रूप में गोदोहनम अर्थात गाय का दोहन करना। गाय को जब अपन दूहते हैं ना, उसको कहते हैं गोदोहनम, गाय की दोहन क्रिया। ये भी अर्थ इसका लेते हैं अपन पाठ में। देखो ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाली। जब एक छोटी नाटिका होती है, संपूर्ण पूरे नाटक को नहीं लिया जाता है, और एक छोटी नाटिका होती है तो वो एक अंक वाली होती हैं, तो वही एक एकांकी कहलाती है। और आपका पाठ वही एक एकांकी के रूप में दिया है, छोटी सी नाटिका के रूप में दिया है। अब पाठ में है क्या कि एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। क्या कहा, ये जो आपका नाट्यांश है ये चतुर्व्यूहम नाम का एक पुस्तक है, उस पुस्तक से संक्षिप्य का मतलब होता है छोटा रूप करके, वहीं से संपादित या उद्धृत किया गया है। उद्धृत का मतलब होता है वहीं से संकलित किया गया है। अपना ये जो गोदोहनम नाम का पाठ है ये किस पुस्तक से लिया गया है, वो लिया गया है चतुर्व्यूहम, इस एकांकी से लिया गया है। अस्मिन् नाटके, क्या कह रहा ये कि अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथानकम अस्ति यह धनवान सुखाकाखी च भवितुम इच्छुकः मास पर्यन्तम दुग्ध दोहनात एव विरमति। क्या है इस पाठ में कि अस्मिन् नाटके अर्थात इस नाटक में एतादृश्य जनस्य, ऐसे जन का कथानकम अस्ति, कथानक है, कथा के रूप में उसको लिया है, क्या ये धनवान सुखाकाकी च भवितुम इच्छुक, जो जल्दी ही क्या बनना चाहता है, धनवान और सुखी बनना चाहता है, ऐसे कथानक के रूप में एक व्यक्ति की यहाँ पर नाट्यांश के रूप में एकांकी है। अब इस पाठ में और क्या है, वो क्या करता है, मास पर्यंतम मतलब एक महीने तक दुग्ध दोहनार, दूध दोहने से वीरमति मतलब विराम करता है, छोड़ देता है, वो जल्दी ही सुखी और धनवान बनने के लिए एक महीने तक गाय को दुहता नहीं है, गाय का दोहन नहीं करता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचित पर्याप्त दुग्धम एक बारम एव विकीर्य संपत्तिम जायति समर्थः। क्या लिखा, संपत्तिम जयतुम समर्थः भवेत। वो क्या सोच रहा है कि जब गाय को एक महीने तक नहीं दुहेगा, तब मास अंत में संपूर्ण जब महीना पूर्ण हो जाएगा, तब ही कहते हैं गाय के अंदर जो संचित पर्याप्त दुग्ध होगा, जो गाय में एक महीने भर का जो दूध रहेगा, उसको कहते हैं एक बार में ही निकाल करके मैं संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाऊँगा, उससे संपत्ति को अर्जित कर सकते। अब देखो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि गाय को आज रोज मतलब आज दो लिया कल परसों, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं दोना है, गाय को एक महीने तक ऐसे स्टॉक के रूप में रखते हैं, और बाद में एक महीने बाद में संपूर्ण जितना दूध उसके अंदर होगा और वो दूध एक साथ ही महीने के बाद में निकाल लिया जाएगा और उसको बेच दिया जाएगा, जिससे धन की प्राप्ति होगी और मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। आगे कहते हैं परम परंतु मासान्ते यदा से दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। क्या कहा इसने, जब वो मास के अंत में जब महीना पूरा होता है और वो दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा मतलब तब से मतलब वह दुग्ध बिंदु मतलब दूध की एक बूंद भी अपि न प्राप्नोति, वो भी प्राप्त नहीं करता है। सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि गाय को एक महीने तक नहीं दूहते हैं तो वो दूध अंदर इकट्ठा होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर भी ये व्यक्ति इतनी इसकी ऐसी सोच है जिसकी वजह से वो एक महीने बाद में गाय को दूहने के लिए जाता है और उसको एक बूंद भी दूध नहीं मिलता है। और दुग्ध प्राप्ति स्थान सह धेनो हो प्रहार ही रक्त रंचित भवती।
क्या कहा, दूध तो उनको नहीं मिलता है लेकिन दूध के स्थान पर उसको क्या मिलता है, धेनु के द्वारा प्रहार किया जाता है और उसको रक्त रंचित भवती अर्थात लहू लुहान हो जाता है। गाय और प्रहार कर देती है, लात वगैरह मारती है, जिसकी वजह से वो लहू लुहान हो जाता है। अब कहते हैं, अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। क्या कहा इसने, अब इससे ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान अपने को क्या मिलता है कि जब हमारा जो दैनिक कार्य होता है, दिन में समाप्त होने वाला जो कार्य होता है, अगर अपन उसको मास पर्यंत तक संग्रहण करके रखते हैं कि 1 महीने बाद में कर दूंगा, तो हमेशा वहाँ पर लाभ के स्थान पर हमेशा हानि ही होती है। कहने का मतलब ये है कि जब अपना कोई कार्य होता है, अपन उसको संग्रहण करते, कोई बात नहीं, इसको कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, जब 1 महीने का जब अपना संपूर्ण कार्य इकट्ठा हो जाता है, अपन कहते हैं 1 महीने बाद मैं संपूर्ण कार्य को कर लूँगा, तो याद रखिएगा निश्चित रूप से वो कार्य आपको हमेशा हानि देने वाला होगा, उस कार्य से कभी भी आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर आपके सामने प्रथम जो दृश्य है वो प्रारंभ होने जा रहा है। क्या है इसमें प्रथम दृश्य प्रारंभ है, अब नाटक छोटी नाटिका है, एकांकी है जो प्रस्तुत हो रही है, इसमें पात्र है, स्त्री पात्र भी हैं और पुरुष पात्र भी हैं। अब देखो है क्या, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। एक मल्लिका नाम की कोई महिला है जो मोदकानि रचयन्ति, मोदक कहते हैं लड्डू को, वो लड्डू की रचना करती है, लड्डू बनाती हैं, और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और मंद स्वर से धीरे धीरे स्वर के साथ में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ये आपको वो अपने मन में ही कर रही है, ऐसा दृश्य दिखाई दिया जा रहा है। क्या कि मल्लिका नाम की एक कोई महिला है जो लड्डू बनाते हुए भगवान शिव का गुणगान कर रही है, उनकी स्तुति कर रही है। अब कहते हैं, ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है, और वहाँ पर ततः प्रविशति मोदक गंधम, और वहाँ पर एक प्रवेश करता है कौन, मोदक गंधम अनुभवन, उस लड्डू की खुशबू का अनुभवन करते हुए, उनको सूंघते हुए कौन, प्रसन्न मना चंदन है, प्रसन्न मन वाला कौन, चंदन। क्योंकि जो मल्लिका थी वो लड्डू बना रही थी और लड्डू की जो खुशबू है वो किसके पास जा रही थी, चंदन के पास, तो उस खुशबू का अनुसरण करते हुए वो चंदन था वो अब मंच पर प्रवेश करता है। अब देखो चंदन बोल, चंदन क्या कहता है, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अहे मोदकानि रचयन्ते प्रसन्न है भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। क्या कहा, आहा सुगंधस्तु मनोहर, आहा ये जो सुगंध आ रही है इस लड्डू की वो बहुत ही मनोहर है, अर्थात मेरे मन का हरण करने वाली है। विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर, अब वो देखने की एक्टिंग कर रहा है, अब उस लड्डू को वो चंदन है जो देख रहा है। अहे मोदकानि रचयन्ति, ओहो तुम तो के मोदक बना रही हो, प्रसन्न भूत्वा, और फिर वो थोड़ा खुश होता है। आस्वादयामि तावत्, तब तक मैं इसको आस्वादन कर लेता हूँ, इन लड्डू को मैं थोड़ा चख लेता हूँ। अब कहते हैं मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, ऐसा कहकर वो मोदक को पकड़ने लगता है। पहले तो अंदर आता है, कहता आहा क्या तुमने लड्डू बनाए हैं, ये लड्डू मेरे मन का हरण करने वाले हैं। फिर उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो लड्डू बना रही हो, और वो खुश होता है और खुश होकर कहता है क्यों ना मैं एक लड्डू का आस्वादन कर लेता हूँ, क्यों ना मैं एक लड्डू को उनको चख लेता हूँ। और जैसे ही वो मोदक पकड़ने लगता है, ग्रहण करने लगता है मल्लिका, तब मल्लिका क्या कह, मल्लिका सहक्रोधम, सहक्रोधम का मतलब होता है क्रोधेन सह, अर्थात इसमें अविभाव समास है, क्रोध के साथ में, विरम विरम मा स्पर्श एतानी मोदकानी, क्रोध के साथ में बोलती विरम विरम, रुको रुको मा स्पर्श, तुम इसको स्पर्श मत करो, तुम इसको छुओ मत, एतानी मोदकानि, किनको, इन मोदकों को। जैसे ही वो चंदन होता है, वो लड्डू को पकड़ने लगता है, तब मल्लिका क्या कहती, क्रोध के साथ में बोलती है रुक जाओ, इन लड्डू को तुम छुओ मत। अब देखो चंदन क्या कहता है, चंदन बोलता है किमर्थम क्रोध्यसि, क्रोध क्यों कर रही हो गए, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम् जिह्वा लोलू
जिह्वा लोलूपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदं। क्या कहा इसने, किमर्थम क्रुद्यसि, तुम क्रोध क्यों कर रही हो। तुम जानती हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हस्त से जो निर्मित है, तुम्हारे हाथों के द्वारा बनाए गए ये जो लड्डू हैं, इन लड्डू को दृष्ट्वा मतलब देख करके अहम जिह्वा लोलूपतां नियंत्रितुम अक्षम, मेरी जो जिह्वा की जो लालसा है उस लालसा को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, इसमें मैं अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, ये तुम नहीं जानती हो क्या, क्या कह रहा है कि क्रोध क्यों करी, तुम तो के अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारे हाथों के द्वारा जो लड्डू, तुम्हारे हाथों से तुम जो ये लड्डू बनाती हो, इन लड्डू से तुमको पता है कि मैं, मेरी जिह्वा की लालसा रहती है इसको खाने के लिए, इसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, इसको नियंत्रित करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्या ये तुम नहीं जानती हो क्या, तो फिर मुझे क्यों रोक रही हो गए। मल्लिका कहती हैं, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, इसका मतलब ये जो चंदन है इस मल्लिका का क्या है, पति है। कि सम्यक जाना भी नाथ, हे नाथ, मैं ये तो अच्छी तरीके से जानते हूँ, परम एतानी मोदकानी पूजानी निमित्तानी संति, लेकिन ये जो मैंने मोदक बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं, ये तो पूजा के निमित्त बनाए हैं। पूजा का निमित्त का मतलब होता है भगवान को चढ़ाने के लिए बनाए हैं, भगवान का भोग लगाने के लिए बनाए हैं, पूजा के लिए, भगवान की पूजा आदि करने के लिए मैंने इन मोदकों को बनाया है, इसको तुम खाओ मत। चंदन कहता है क्या, त्रहि शीघ्रमेव पूजनम संपादे प्रसादम चे देई, तो जल्दी जल्दी तुम अपना पूजा कार्य को संपादित कर लो, अपना पूजा वूजा जो भी करनी है उसको जल्दी करो, और मुझे क्या दो, मुझे प्रसाद चे देही, मतलब तुम मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्य, सुनो यहाँ पर पूजन नहीं होगा, ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ इसका जो आप कह रहे हो ना पूजा कर लो और मुझे प्रसाद दो, तो इसकी पूजा यहाँ पर नहीं होगी, अपने घर में इसकी पूजा नहीं होगी। तो अहम स्वसखी भी स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, या कहा मैं मेरी सखी के साथ में स्वह मतलब कल प्रातः मतलब सुबह, कल सुबह कहाँ जाऊँगी, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है मैं कल वहाँ पर जाऊँगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो भोग है भगवान को चढ़ाने के लिए जो मोदक बनाए हैं वो यहाँ पर चढ़ाने वाली वो नहीं है। अब आगे कहते हैं, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां से वयम करिष्यामः, क्या कहा इसने, काशी मंदिर जाऊंगी और वहाँ पर गंगा स्नानम, वहाँ पर तो हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रां से, और धर्म यात्रा भी हम करेंगे। धर्म यात्रा का मतलब होता है धर्म के प्रति जो यात्रा, जिसे अपन तीर्थ यात्रा कहते हैं ना, उसी को ही धर्म यात्रा कहा जाता है। तो हम सब वहाँ पर क्या करेंगे, हम सब वहाँ पर गंगा स्नान, गंगा में स्नान करेंगे और तीर्थ यात्रा आदि हम सब वहाँ पर करेंगे। चंदन क्या कहता है आप देखो, चंदन कहता है कि सखी भी ही से ने मया स, सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे साथ भी चलो, सखियों के साथ में क्यों। विषादम नाटयति, और विषाद करने का नाटक करता, विषाद का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है ना, दुखी होकर के मुंह बनाकर थोड़ा नाटक कैसे करता है, ऐसा चंदन भी नाटक करता है। ओ तुम तो क्या सखियों के साथ में जा रही हो, मेरे साथ क्यों नहीं, ऐसा कहकर थोड़ा सा अपने मुँह को जो दुख वाला भाव है जो प्रकट कर रहा है वो। मल्लिका कहती है, आम हाँ चंपा गौरी माया मोहनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, कौन कौन जा रही, चंपा जा रही है, गौरी गौरी भी जा रही है, माया मोहनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया से मतलब मेरे साथ तव आगमनस्य अर्थात तुम्हारा आना औचित्यपूर्ण नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरे साथ चंपा गौरी माया मोहिनी ये जो सखियां हैं, ये सारी सखियां मेरे साथ में आ रही हैं, इसलिए आपका आना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो वो है ही। आगे कहते हैं, वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः तावत गृह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय,
क्या कहा, हम सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे, सप्ताह भर हम रहेंगे और सप्ताह के अंत तक यहाँ पर आ जाएंगे। तावत मतलब तब तक गृह व्यवस्था, तुमको क्या करना है, एक तो घर की व्यवस्था को देखना है और धेनु हो दुग्ध दोहन व्यवस्थान चय, और गाय को दुहने की जो व्यवस्था है, गाय का दूध दोहने की जो व्यवस्था है उसको भी तुमको पालन करना है, उनको भी कि अच्छे से तुम करना। हम वापस कब आएंगे, हम सप्ताह के अंत तक वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक तुम क्या करना, घर की अच्छी सी व्यवस्था का पालन करना, अच्छे से देख लेना, व्यवस्था संभाल लेना, और गाय को दूहने वूहने की क्रिया आदि इसको तुम संपादित कर देना। अब जो द्वितीय दृश्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, द्वितीय दृश्य में क्या है, चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छे मतलब जाओ, सखी भी से धर्म यात्रा है अभिनंद, क्या कहा, आनंदिता चे भवः, कि तुम ठीक है अपनी सखियों के साथ में जाओ, तुम्हारी जो धर्म यात्रा है, जो तीर्थ यात्रा है वो आनंदिता चे भव, वो आनंदित हो, सुखमय हो। क्या कहा कि ठीक है तुम अपनी सखियों के साथ में जाओ और तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा है वो आनंदित अर्थात सुखमय हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि शिवास्ते संतु पंथान, क्या कहा, अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं जितना भी यहाँ पर कुछ देखना है व्यवस्था वगैरह इस सब का पालन कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। शिवास्ते मतलब मंगलमय, संतु मतलब हो, पंथाने मतलब आपके रास्ते, आप रास्ता मतलब यात्रा से लिया जाता है, आपकी जो यात्रा है वो कैसी हो, वो मंगलमय हो, इसलिए तुम जाओ। चंदन फिर कहता है मल, अब वो तो चली गई है, अब क्या कह रहा है, मलिका तू धर्म यात्रा ही गता, मलिका है वो तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई है, अस्तु ठीक है, फिर दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ, दूध को धो करके स्व अपने लिए, प्रातरास का मतलब होता है नाश्ते का, प्रबंधम करिष्यामि, तब तक मैं क्या कर लूँगा, तब तक मैं दूध धो करके अपने स्वयं के लिए सुबह का जो नाश्ता है उस नाश्ते का प्रबंध करूँगा। अब वो क्या करता है, देखो कि स्त्री, अब देखो वहाँ पर नाटक चल रहा है, यहाँ पर अब वो कर रहा है कि स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, गाय का नाम क्या है, नंदिनी नाम है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो चंदन है, ये चंदन स्त्री वेश धारण करता है अर्थात स्त्रियों का कपड़ा पहनता है, स्त्रियों के वस्त्र धारण करता है, और क्यों, क्योंकि अगर वो पुरुष है, चंदन तो पुरुष है, गाय के पास जाता हो तो हो सकता है गाय दूध ना दे, उसको पास भी ना आने दे, तो ऐसा वो गाय को तरफ जाना चाहता है, वो मतलब स्त्री का रूप धारण कर लेता है, स्त्री जैसा बन जाता है उनके कपड़े आदि पहन करके। तो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्ते, जो दूध दोहने का जो पात्र है उस पात्र को हाथ में लेकर के नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी अर्थात नंदिनी नाम की जो इनकी गाय है उसके समीप में जाता है। अब एक उमा नाम की कोई लड़की आती है वहाँ पर, और वो क्या कहती है कि मातुलानी मातुलानी, अब देखो, अब चंदन ने तो स्त्रियों के वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसीलिए उमा को क्या लगा, ये मेरी मामी है, क्योंकि वो उसी के कपड़े पहने हैं, कि मातुलानी मातुलानी, कहे मामी जी मामी जी। चंदन कहता है उमे, कहे उमा आम तू मातुल है, मैं तो मामा जी हूँ, मामी जी नहीं हूँ। आगे कहते हैं तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है वो कहाँ गई है, वो तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथे कहो किम ते प्रिय करवाणी, बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ, क्या भला कर सकता हूँ, क्या काम है वो मुझसे, तुम बोलो तुम्हारा क्या भला मैं कर सकता हूँ, मुझसे कहो तुम। उमा कहती है, उमा क्या कहती है, उमा कहती है मातुल, के हे मामा जी, के पितामह कथयति, मेरे जो दादाजी हैं वो कह रहे हैं, कहते हैं क्या, के मासा अनंतरम अस्मत गृहे महोत्सव भविष्यति, जब महीना पूरा हो जाएगा तो महीने के लास्ट में हमारे घर पर एक क्या रखा है, महोत्सव रखा है, एक उत्सव रखा है, तो एक कोई आयोजन रखा है। क्या कह रहे, मेरे दादाजी ने ये कहा है
कि महीना पूरा होने पर मेरे घर पर एक महोत्सव होगा, तो तत्र त्रिंशत सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, तो उसके लिए 30 सेटक का मतलब होता है लीटर, तो उसके लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता अपेक्षित है। अर्थात कितना लीटर दूध चाहिए? 30 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवत भी करणीया, ये व्यवस्था आपको करनी है। दोबारा देखो, उमा क्या कह रही हैं? उमा कह रही है कि मेरे दादाजी ने ये कहा है कि एक महीने के बाद में मेरे घर पर कोई फंक्शन रखा है, कोई महोत्सव होगा, इसके लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, और वो 30 लीटर दूध की जो व्यवस्था है वो किसको करनी है? कि हे मामा जी, वो आपको करनी है। अब चंदन क्या कहता है? प्रसन्न मनसा, अपने मन में क्या होता है? प्रसन्न होता है। 30 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रतीतव्या वक्तव्यम। क्या कहा? कि 30 लीटर दूध की जो व्यवस्था है वो तो शोभनम मतलब अच्छी है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति और उस दूध की व्यवस्था भी हो जाएगी। पितामहं प्रतीतव्या वक्तव्यम, इस प्रकार तुमको अपने पिता के प्रति कहना है। चंदन ने क्या कहा? चंदन ने कहा कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, इसकी तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपने दादाजी से ऐसा कह दो। अब देखो उमा क्या कहती है। उमा कहती है धन्यवाद मातुला याम्मे अधुना, मैं अब जा रही हूँ। सा निर्गता, और वो निकल जाती है, वो उसको धन्यवाद देती है और धन्यवाद दे करके निकल जाती है। अगली चर्चा अपन अगले पाठ में करेंगे।